हमने मीडिया आइडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामिन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रिकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्चुनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक के ऊपर, जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्हें कहा कि हाँ सर आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह करम है, खैरियत से। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले हाँ, अब नहीं मालूम मुझे, अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे, मगर इस तरह के बुजदिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है।